हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक मेरा नए वीडियो में। सो दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के वही लोग देखिएगा जो मलेशिया आना चाहते हो। अगर आप लोग मलेशिया आना नहीं चाहते हो, अगर आप लोग मलेशिया नहीं आना है काम करने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन जो लोग मलेशिया आने वाले हैं काम करने के लिए, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मलेशिया में अगर आप लोग शुरू के दिनों में आते हो, फर्स्ट दिन आप लोग आते हो, तो क्या क्या दिक्कत होता है, क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि मलेशिया के अंदर में काफी दिन से काम कर रहा हूँ, और जब मैं मलेशिया के अंदर में आया हुआ था आज से करीब 6 साल पहले, जब मलेशिया के अंदर में आया हुआ था, तो हमको क्या क्या चीज दिक्कत हुई थी, फर्स्ट दिन में क्या हमको फील हुआ था, क्या महसूस हुआ था मलेशिया के दिन जैसे हम लोग आए थे जिस कंपनी के अंदर में, वो सब चीज आप लोग इस वीडियो में बताने, ताकि आप लोग पहले से ही क्लियर हो जाए कि हाँ ये गलतियां होता है मलेशिया के अंदर में, ये चीज महसूस करने को मिलता है मलेशिया के अंदर में जाकर। ठीक है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं मलेशिया रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर बनाता था और मलेशिया के इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला थोड़ा हटके वीडियो होने वाला है, हर वीडियो में आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में अपना खुद का अनुभव शेयर करने वाला हूँ कि आखिर में जब मैं मलेशिया के अंदर फर्स्ट दिन आया हुआ था, तो हम मेरे साथ क्या महसूस हुआ, हमको क्या क्या ऐसा फील हुआ कि जो इंडिया से मतलब क्या क्या मिस किया अपने इंडिया में, जो मिलता था जो नहीं मिलता, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को तो पर आप बात कि जिस दिन अगर आप लोग मलेशिया में आओगे किसी भी कंपनी के अंदर में, मलेशिया में आप लोग आओगे किसी भी कंपनी के अंदर काम होने, तो सबसे बड़ा डिपेंड पड़ेगा आपको टाइम का फर्क पड़ेगा। ठीक है, मलेशिया का टाइम आप लोग समझ लीजिए, मलेशिया के अंदर में जो टाइम है, हम लोग को खुद ये चीज अजीब लगता था कि मलेशिया की जो टाइम है 2 घंटा 30 मिनट इंडिया से आगे टाइम चलता है, मतलब इंडिया में सुबह का 7 बजेगा तो यहाँ पे दिन का 9:30 हो जाएगा, तो टाइम का बहुत ही बड़ा दिक्कत होता था, बहुत ही अजीब लगता था टाइम के लेकर। अगर आप लोग इंडिया में बात करना है, फोन करना है, तो अगर आप लोग अपने टाइम से रात में अगर 10 बजे कॉल करते हो, तो इंडिया में उस टाइम 7:30 होता था। अगर इंडिया वाले आपके पास इंडिया के टाइम से 9 बजे फोन करते हैं, तो उस टाइम मलेशिया के अंदर में 9:30 आता रात का। तो दोस्तों टाइम के बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता रहा, और रहा बात की शुरू दिनों में ये चीज टाइम के लिए इसलिए दिक्कत हो जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था, मतलब नहीं होता है कि लगता था, महसूस होता कि नहीं टाइम जो है सिमिलर टाइम है, इंडिया से ही टाइम है। और आदमी क्या करता था, फटाक से फोन करता था इंडिया में उस टाइम सुबह, अगर आप लोग सुबह सुबह जग गए यहाँ पे बज रहा है सुबह 8, लेकिन आप फोन करें सुबह में, तब तक इंडिया में अभी सब लोग सोए जाते थे, इंडिया में लोग जगते थे, तब आप अपने ड्यूटी चले जाते थे। तो टाइम के बहुत ही ज्यादा मेजरमेंट और टाइम का जो लेवल करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक रूटीन बन गया कि हाँ किस टाइम क्या करना है, किस टाइम नहीं करना है, क्या, तो ये चीज क्लियर हो गया, टाइम के क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी शुरू आओगे तो आप लोग भी टाइम का बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस होगा, टाइम का लगेगा कि नहीं यार मैं कहाँ पे आ गया, क्या जगह आ गया, रात में फोन कर रहा हूँ तो वहाँ पे अभी शाम ही हो रहा है, शाम में कोई रात में वो कहीं पे फोन कर रहा है तो यहाँ पे रात के 12 बजे 1 बजे सुबह में ड्यूटी है, तो उस टाइम का भी दिक्कत होता रहा। दूसरा पॉइंट क्या दिक्कत हुई थी, खाना। क्योंकि शुरू के दिनों में जैसे मलेशिया के अंदर में आप लोग आओगे किसी भी कंपनी के अंदर में काम करने के लिए, तो शुरू के दिनों में आप लोग खुद से तो बनाओगे नहीं, कोई भी कंपनी के अंदर आप लोग काम करने के लिए आते हो, चाहे मैं भी किसी कंपनी के अंदर ही काम ही करने के लिए आता, तो शुरू के दिनों में जिस दिन मैं लैंड किया उस दिन तो हमको भाई खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा ये सब चीज़ राशन पता ही तो दे देगा कंपनी, तो हम खुद से तो उस दिन प्रिपेयर नहीं होगा ना, नहीं बनाएंगे ना, तो 2-3 दिन 1 सप्ताह तो क्या होगा, होटल से ही खाना पड़ेगा। मलेशिया के अंदर में जो होटल का खाना मिलता है, ठीक है, होटल का जो खाना मिलेगा काफ़ी चेंज लगेगा टेस्ट, ठीक है, जो इंडिया में हम लोग खाते हैं टेस्ट करते हैं खाना, कोई चीज़ खाते हैं तो इंडिया का हम लोग टेस्ट जो था थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्वीट खाते लोग, थोड़ा मीठा खाता लोग, यहाँ पे ज़्यादा नारियल का यूज करेगा, और चिकन भी बनाएगा तो उसमें नारियल का दूध डालेगा लोग, नारियल का क्या डालेगा लोग, और भी बहुत कुछ ऐसा बनाएगा लोग, मतलब टेस्ट एकदम सिमिलर नहीं लगेगा, एकदम अजीब टेस्ट लगेगा। ठीक है, शुरू के दिनों में लगे नहीं यार मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ आप लोग धीरे धीरे रहने लगोगे, आप लोग खुद से जब तक खाना रूम पे बनाने लगोगे, लेकिन खुद फिर कभी होटल में खाओगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इस टेस्ट का आदत पड़ जाता है। ठीक है, तो टेस्ट का आदत पड़ जाता है, फिर यही खाना अच्छा लगने लगता है, लेकिन इंडिया वाला टेस्ट जब तक याद रहेगा तब तक तो भाई यहाँ का मलेशिया का टेस्ट आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा खाना, लेकिन अगर इंडिया का टेस्ट आप लोग धीरे धीरे भूल जाओगे तो फिर यहाँ का खाना अच्छा लगता है। दोस्तों ये शुरू के दिनों में हम लोग को ये भी दिक्कत हुई थी, अजीब लगता था खाना के लेकर, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता था, खाना भी अच्छा नहीं लगता। नंबर तीसरा पॉइंट होता है पानी का दिक्कत। मलेशिया के अंदर में जो पानी है, पानी यहाँ का वायली पानी है, आप लोग वायली पानी समझ लीजिए, जिसकी एक कपड़ा है मेरा, ठीक है, इस कपड़ा को अगर मैं धोता हूँ सर्फ में धोता हूँ, ठीक है, अगर धोता हूँ तो इस सर्फ का जल्दी फेम नहीं निकलेगा, मतलब एक अजीब इसमें वाइल चिपचिपा टाइप हट में, अगर आप लोग हाथ भी वाश करते हो, हाथ भी आप लोग धोते हो, ठीक है, चाहे अभी लोग हम लोग यहाँ पे हाथ धोते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे वाइल जैसे आप लोग हैंड वाश यूज किए चाहे साबुन यूज किए, तो आपके हाथ से लीचिंग जाएगी नहीं जल्दी। यहाँ का जो पानी है थोड़ा पानी वाली है, जैसे कि इसी के देखिए बाल भी देख लीजिए, इस देखिए बाल में भी अगर आप लोग नहाते हो शावर लेते हो तो बाल भी अजीब आप लोग चिपचिपा टाइप का रहता है,
पूरा क्लीन टाइप का नहीं था, जैसे इंडिया में जैसे इतना क्लीन पड़ जाता है उस टाइप के यहाँ पे मलेशिया के अंदर में पानी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वही आदत बन जाता है, वही 2-3 मंथ रहने के बाद धीरे धीरे आदत बन जाता है। नंबर चौथा पॉइंट क्या होता है दिक्कत, पैसा। नंबर चौथा पॉइंट पैसा होता है, क्योंकि देखिए इंडिया में हम लोग पैसा कैसे यूज किए हैं, 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया यूज किए हैं लोग, ठीक है, 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपये यूज किए हम लोग। लेकिन देखिए मलेशिया का जो पैसा है, मलेशिया का 1 रिंगिट होता है इंडिया का 17 रुपये होता है। तो हम लोग क्या हुआ कि इंडिया में तो 20 रुपये यूज कर दिए हैं, 30 रुपये कहीं दुकान पर गए कुछ खाएं 50 रुपये दे दिए निकाल कर। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही सब दिक्कत होता है। यहाँ पे 50 रुपये का 3 रिंगिट का महत्व हो गया इंडिया का 50 रुपये खर्चा करने जा रहे हो कुछ, और बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, समझ ही नहीं आता पैसा का महत्व जो है। यहाँ का 50 रिंगिट फटाफट आप किसी दुकान में खर्च कर दोगे, लेकिन वही 50 रिंगिट इंडिया का 800-850 रुपये हो जाता था। तो ये गलतियाँ शुरू के दिन में बहुत ज्यादा होता था, ये चीज मिलाना कि नहीं यार, क्योंकि पैसा का महत्व जो हम लोग है कि मतलब नहीं। देखिए यहाँ का पैसा बहुत ही बड़ा है, नंबर भाई नंबर 1 रुपया इंडिया का 17 रुपये हो जाता है। तो कहीं पे भी दुकान में हम जाओगे तो 20 रुपये दोगे तो लगेगा हाँ यार इंडिया में 20 रुपये खर्च किए, लेकिन नहीं यहाँ पे 1 रुपये में हो जाएगा तो यार लगता है क्या अरे 1 ही रुपये ना किया, 1 रुपया दे दो यहाँ का, मतलब 1 रिंगिट देने में कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन इंडिया का वही 20 रुपये देने में समझ आता है कि यार मैं 20 रुपया अभी खर्च कर दिया, लेकिन यही क्या 1 रिंगिट देने में समझ नहीं आता है। तो दोस्तों शुरू शुरू में भी दिक्कत होता है, अरे 1 रिंगिट जा रहा है 1 रिंगिट दे दो, लेकिन धीरे धीरे उसका वैल्यू पता चलता है कि नहीं यार 1 रिंगिट इंडिया का 20 रुपया हो रहा है, तो धीरे धीरे आप लोग सेव करना स्टार्ट कर दो। तो ये गलतियाँ भी शुरू शुरू में होता रहा था पैसा को लेकर। तो आप लोग ये चीज़ समझिएगा कि शुरू शुरू में आप लोग ये पैसा पे कंट्रोल कीजिए, ये मत सोचिए कि यार 20 रुपये ज़्यादा रहा है, 20 रुपये फ्रैक्शन है निकल दो, तो 20 रुपये इंडिया का हो गया 400 रुपया, ठीक है। तो आप लोग को 400-500 रुपये के एस्टिमेट लेकर आपको पैसा देना है कहीं पर दुकान में चाहे कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लेकर चलना है। नंबर 5 तो जो नंबर 5वां पॉइंट होता है मौसम, क्योंकि मलेशिया का जो मौसम है इंडिया से बहुत ही हटकर मौसम है। मलेशिया में जो मौसम होता है एक जैसा ही मौसम रहता है, यहाँ पे 12 मंथ एक ही जैसा मौसम मिलेगा। दिन में धूप होगा, ठीक है, दिन में धूप होगा, रात में हल्का ठंडा होगा, फिर मॉर्निंग से धूप स्टार्ट हो जाएगा। ना यहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म पड़ेगा, बरसात जब बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू शुरू दिनों में हम लोग जब आए हुए थे तो हम लोग लगता था यार कौन सा मौसम हो रहा है यार, डेली एक ही जैसा मौसम हो रहा है, दिन में धूप हो रहा है, शाम में बारिश भी हो जा रही है, रात में ठंडा भी लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग शुरू शुरू दिनों में तो आप लोग को भी ऐसे अजीब लगेगा यार कि मैं कहाँ पर आ गया, लेकिन ऐसा मौसम अच्छा मौसम है। दोस्तों यहाँ पे जो होता है तबीयत खराब रहती है इस मौसम के अंदर, तो मौसम यहाँ पे ठीक भी है। नंबर 6ठा पॉइंट जो होता है रात और दिन का फर्क हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7-7.5 बजे तक रात में अंधेरा होना स्टार्ट होता है। समझ लीजिए कि इंडिया समझ लीजिए कि आपकी यहाँ का शाम होना स्टार्ट होगा रात को 8 बजे, 7.5 बजे स्टार्ट होगा शाम होना। आप लोग खाना बनाते खाते 10 बज जाएगा रात को, सोते सोते 11-12 बज जाएगा, आपको फिर मॉर्निंग में कोई भी कंपनी का अगर जो ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है, और 7 बजे रहता है अंधेरा रहता है मलेशिया के अंदर में। मॉर्निंग में जब 7 बजेगा तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा, 7.5-8 बजे तक धीरे 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 यहाँ पे उजाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिन और रात के भी लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो शुरू शुरू के दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता रहने के लिए, ठीक है। तो मैं अब बताता हूँ कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम होता है मलेशिया के अंदर में हम आए थे। तो दोस्तों देखिए जैसे मलेशिया के अंदर में जैसे मैं आया तो हमको तो कोई सही खाना का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गया क्योंकि मैं हूँ बिहारी और बिहारी में थोड़ा आप जानते हैं थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, तो यहाँ पे थोड़ा स्वीट खाना मिलता है। नंबर 2 पॉइंट हमको भी वैसे लगा था दिन और रात के टाइम को पता ही नहीं चल रहा था, कभी दिन हो रहा था कब रात हो रहा था, सुबह जल्दी उजाला ही नहीं होता, टाइम 8 बज गया अभी अंधेरा ही है, तो भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। उसके बाद क्या दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे अजीब लग रहा था कोई भी लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे कोई हिंदी बोलने वाला है ही नहीं, यहाँ पे जल्दी मिलता ही नहीं है, लोकल भाषा लोग बोलते थे लोग अजीब दिमाग से बाहर निकलता यार क्या बोल रहा है क्या बात कर रहा है, क्योंकि मलाई लोगों में बात करता था लोग, नहीं तो तमिल लोगों में बात करता था लोग, मैं तो हूँ हिंदी बोलने वाला, तो हिंदी बोलने वाला का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। हिंदी बोलने वाला कोई रहता नहीं था यहाँ पे, मिलता नहीं था, कोई बांग्लादेश के आदमी मिलते थे चाहे हिंदी के कोई बोलने वाला मिल जाते थे तो आदमी बात करता बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग आते थे मलेशिया के लैंग्वेज बोलते थे मलाई लैंग्वेज, वो तो हमको उस टाइम शुरू शुरू के दिन में आता नहीं था। दोस्तों ये भी चीज़ आप लोगों को दिक्कत होगा, लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने चैनल को इसीलिए ओपन किया हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि देखिए मैं तो मलेशिया के अंदर में आया था, हमको जो जो दिक्कत हुआ है इसके लिए मैं अपने चैनल को ओपन किया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं सब कुछ आप लोग को अपडेट देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं बहुत सारा दो वीडियो भी बना दिया हूँ लैंग्वेज के लेकर कि मलेशिया में क्या चीज़, क्योंकि मैं अभी मलेशिया के अंदर में हूँ तो हमको लैंग्वेज भी यहाँ के बोलने आ जाता है, मतलब यहाँ का भाषा भी बोल लेता हूँ और अच्छा खासा लैंग्वेज, मतलब इतना मान लीजिए कि मैं 75% लैंग्वेज बोल देता हूँ, मतलब यहाँ का 75% मैं भाषा बोल देता हूँ, 25% हमको बोलने नहीं आता लेकिन समझ में लेता हूँ 100%। आप लोग आप मलाई भाषा में यहाँ के यहाँ पे मेरे पास में अगर मलाई को भी आप लोग बैठा दोगे और मलाई में जितना कुछ बोलेगा हमको समझ में आएगा, लेकिन मैं 75% बोलूँगा उसको समझ में आएगा, 25% उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब 25% हमको बोलने, तो मेजर जो लैंग्वेज होता है
वो लैंग्वेज हमको बोलने नहीं आता, मैं अभी भी आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले। लेकिन मैं दो वीडियो अपलोड किया हूँ अपने चैनल के ऊपर में जो कि लैंग्वेज के ऊपर में था। आप लोगों को अगर भाषा सीखना है तो आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, वो दोनों वीडियो को जाकर कि लैंग्वेज में कैसे क्या होता है। लेकिन बाकी चीज़ तो मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ कि कैसे क्या मिलता है। और रहा बात की सामान को लेकर मलेशिया के अंदर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, दोस्तों धीरे धीरे शुरू के दिनों में आप लोग आओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ यहाँ पे मलेशिया के अंदर में मिलता है। जब मैं आए थे शुरू के दिनों में यहाँ पे मलेशिया के अंदर में, तो शुरू शुरू में तो पता नहीं होता कौन सा दुकान कहाँ पे है क्या नहीं है, लैंग्वेज का पता नहीं चलता। किसी को आप कुछ पूछते भी हो तो वो बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सामान सब कुछ मिलता है लेकिन कहाँ पे रहेगा धीरे धीरे आप लोग को पता होगा। आप लोग कुछ दिन रहोगे यहाँ पे, जानोगे भाषा जानोगे तो सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग को दुकान का पता चल जाएगा, धीरे धीरे सामान का नाम पता चल जाएगा, तो आप लोग को सब सामान मिल जाएगा, खाने से लेकर बनाने नहाने से लेकर धोने तो सब कुछ आप लोग इंडिया का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। बस बशर्ते आप लोग शुरू शुरू के दिनों में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। और रहा बात कि आप लोग कभी भी मलेशिया के अंदर में आना है तो शुरू शुरू के दिनों में आप लोग 6 महीने रह जाओगे किसी भी कंपनी के अंदर काम करने के लिए। किसी भी फील्ड में आप लोग आ रहे हो तो 6 महीने के बाद आप लोग आराम से रह जाओगे। 6 महीने तक आपका बॉडी जो है सेट हो जाएगा, आपका माइंड जो है इंडिया वाला रिवर्स करना बंद कर देगा, फिर मलेशिया के अंदर में आप लोग सेट टाइप के हो जाएंगे, मलेशिया वाला माइंड आपका हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा रहने के अंदर में, फिर मन भी लगने लगेगा, आप लोग अच्छा से रहने लगोगे। लेकिन शुरू के 6 महीने आप लोग कैसे भी रहना है, 6 महीने आप लोग रह जाएगा फिर आप लोग को मलेशिया अच्छा लगने लगेगा रहने में, कोई दिक्कत नहीं होगा मलेशिया के अंदर में रहने में। तो दोस्तों यही सब प्रॉब्लम हुई थी शुरू के दिनों में, मैं अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं था, इस वीडियो में आप लोगों को बताया। तो कोशिश किया कि आप लोगों को वीडियो से अच्छा लगा होगा, और मैं भी शुरू के दिनों में जब आया हुआ था 2-3 महीने हम मतलब 1 महीने रहे, उसके बाद हम भी सोचे थे हम भाग जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है मलेशिया के अंदर में, ये नहीं है वो नहीं है। तो दोस्तों लेकिन धीरे धीरे जब मैं रहना स्टार्ट किया 6 महीने रहा, उसके बाद धीरे धीरे हमको अच्छा लगने लगा मलेशिया। अभी देखिए हमको काफ़ी दिन हो गए मलेशिया में रहते हुए। तो दोस्तों यही सब है, मलेशिया के अंदर आप लोग आते तो कैसे भी आप लोग को शुरू के 5-6 महीने आप लोगों को निकालने के बाद आप लोग भी आराम से रहने लगोगे मलेशिया में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सब चीज़ आप लोग जान जाओगे, लैंग्वेज जान जाओगे, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ का लोग भी जो मलेशिया के अंदर बहुत ही अच्छा है, जैसे आप रहोगे वैसे आप लोग आउटपुट दोगे वैसे आप लोग इनपुट पाओगे, मतलब जैसे आप लोग किसी के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही आप लोग के साथ वो भी व्यवहार करेगा। बहुत ही अच्छा है, लोग मलेशिया के अंदर आप लोग कोई भी फाइटिंग देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, यहाँ पे जो होता है ना इंडिया में दादागिरी टाइप का उस टाइप के यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपका लोकल भी जो है साथ में काम करेंगे, लोकल भी मिलजुल काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता। ऐसा नहीं कि लोकल में हूँ तो मैं नहीं काम करूँगा आप काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। मलेशिया के अंदर जो लोकल है लोकल ही आपसे ज़्यादा काम कर देगा, आप लोग इतना समझ लीजिएगा। अगर आपका लोकल है कोई लोकल है तो लोकल ज़्यादा काम करेगा, आप ही कम काम करोगे, लोकल आपको बैठा देगा वो खुद काम करने लगेगा, तो लोकल भी दादागिरी यहाँ पे नहीं करता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ होता है मलेशिया के अंदर में आने में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, मैं अपने आप बात बताते बताते थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। तो दोस्तों अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मलेशिया टीम मलेशिया की जानकारी अपने चैनल पर देते रहता हूँ। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो नमस्कार, जय हिंद।